शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज़ का। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी जैकबाबाद से मेरी एक लिसनर शेयर कर रही है और वो अपना नेम ऑनियर नहीं करवाना चाहती। वो कहती है कि मैं जैकबाबाद की रहने वाली हूँ। आज आपके साथ अपनी अम्मी की बताई हुई एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। अम्मी बताती थी हम लोगों के जो नाना जी थे वो एक हकीम थे, बहुत जाने माने हकीम थे और बहुत बहादुर थे। एक दफ़ा की बात है, नाना जी जब अपनी दुकान से वापस आ रहे थे, जो उनकी हिकमत की दुकान थी, काफ़ी रात का टाइम था। जिस रास्ते से वो गुज़र कर आ रहे थे उस रास्ते के दरमियान में, यानी उस रास्ते पर एक दरगाह होता था। नाना जी जब उस दरगाह के पास से गुज़रने लगे तो नाना जी क्या देखते हैं, वहाँ पर एक औरत बैठी है और उसके सर के बाल खुले हैं। उसके सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। नाना जी ने जब उसके बाल देखे, नाना जी को बड़ी हैरानगी हुई। फिर नाना जी ने देखा वो जो औरत थी बड़े अजीबो गरीब अंदाज में अपने हाथ हिला रही थी। नाना जी को पता चल गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, देखना पड़ेगा कि ये कौन है। नाना जी ने बड़ी हिम्मत के साथ उसके पास जाने की कोशिश की। दरगाह में दाखिल हुए, वहाँ पर जाकर नाना जी ने जल्दी से उसके बालों को पकड़ लिया, उसकी चोटी को पकड़ लिया। नाना जी ने पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। उसने ये कहा कि मैं एक जिन्नजादी हूँ, एक जिन्नी हूँ और मैं अपने बच्चे को झूले दे रही हूँ। मेरा बच्चा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर सो रहा है और मैं उसको झूले दे रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से हाथ हिला रही हूँ। नाना जी ने उससे ये कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो उसने ये कहा कि मैं एक जिन की कैद में हूँ, मेरी मदद करें, मुझे बचा लें। नाना जी ने फ़ौरन से उसके बालों की चोटी काट दी। जैसे नाना जी ने उसके बालों की चोटी काटी तो वो एक नॉर्मल औरत के रूप में आ गई। नाना जी ने जब उसे देखा तो नाना जी हैरान हो गए, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने ये कहा कि मुझे एक जिन ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था और उसने मेरे ऊपर इस तरह से अपना आक्षेप किया था कि मैं एक आम इंसान के बजाय एक जिन्नजादी बन गई थी। आपने मेरी चोटी काट कर मेरी जान बचा ली। उसने नाना जी का बहुत शुक्रिया अदा किया। नाना जी से उनके घर का पता भी पूछा। बाद में उसने नाना जी की दावत भी की, नाना जी उनके घर भी गए थे। वो नाना जी का बहुत शुक्र अदा करती थी कि आपने मेरी मदद की, अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं सारी ज़िंदगी उसी जिन की कैद में रहती और एक जिन्नजादी बनकर ही ज़िंदगी गुजार देती। ये कहानी थी जो जैकबाबाद से मेरी एक रिसर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ एक कपल की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली वो यूके के रहने वाले थे, हस्बैंड वाइफ थे। वो यूके से दूर एक और जगह पर शिफ्ट हुए अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस वक्त उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वो बताते हैं कि जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए, वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोस्टली कारोबारी लोग ही रहते थे। बहुत ही पुरसकून इलाका था, साफ सुथरी जगह थी। हम हस्बैंड वाइफ भी जिस काम के सिलसिले में वहाँ पर गए थे, हमने अपना सेटअप स्टार्ट कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों का जो काम था, जो बिज़नेस था, वो बहुत अच्छे से चल रहा था। हम लोगों की बेटी छोटी थी, वो अक्सर वहाँ पर बने एक पार्क में जाकर खेला करती थी और आकर हमें बताती थी कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। दिन के टाइम तो हम लोग अपने बिज़नेस पर होते थे, लेकिन शाम के वक्त हम लोग उसके साथ ही होते थे। एक शाम उसने फिर ज़िद की कि मुझे अभी भी खेलने जाना है। हमने उसे बहुत समझाया कि अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग दिखाई देते हैं, इसलिए तुम इस टाइम बाहर मत जाओ। लेकिन उसने ये कहा कि नहीं, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे उनके साथ खेलने जाना है। तभी उसकी मदर ने भी ये कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आज मैं भी तुम्हारे दोस्तों से मिल लूँगी। तभी वो दोनों माँ बेटी उस पार्क की तरफ चली गई, मैं घर पर ही था। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँची तो मेरी वाइफ क्या देखती है कि जो हमारी बेटी है वो खेलती खेलती पार्क के एक मखसूस हिस्से में चली गई है
और वहाँ पर जाकर खेलना शुरू हो गई है। पहले मैं वहाँ पर बैठी रही, लेकिन फिर मुझे वहाँ से अजीबोगरीब हंसियों की आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत से बच्चे हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने सोचा मैं उठकर देखती हूँ कि मेरी बेटी के जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ से आए हैं। यहाँ मैंने पार्क में तो किसी को आते नहीं देखा। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी बेटी पार्क के एक मखसूस हिस्से में अकेली बैठी खेल रही थी, हंस रही थी और किसी से बातें कर रही थी। मैंने उसे ये कहा कि कहाँ हैं तुम्हारे फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम किससे बातें कर रही हो। उसने ये कहा कि मामा ये देखिए, ये सामने मेरे सारे दोस्त बैठे हैं, ये सब आपको देख रहे हैं, ये सब लोग हंस रहे हैं, देखिए ये कितने ज़्यादा हैं। जबकि मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, जल्दी से उठो, चलो हमें यहाँ से जाना है। जैसे मैंने अपनी बेटी को वहाँ से उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना दिखने वाला वजूद उसके बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है। ये मंजर बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने पूरी ताकत से आगे होकर अपनी बेटी को उनके शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश की। वो अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके खौफनाक कहके गूंज रहे थे। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की मेरी बेटी को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने पूरी जान लगा दी। अपनी बेटी को खींचकर मैं वहाँ से लेकर भागना शुरू हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि वो काफ़ी दूर तक हम लोगों के पीछे भी भागे हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को उन्होंने गिराने की और हम लोगों पर पथराव करने की भी कोशिश की। जैसे हम लोग वहाँ पार्क से निकले, हम लोग भागते भागते घर आए। घर पहुँचे तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्ची भी बहुत डरी हुई है, रो रही है, उन्होंने हमें बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और पूछा कि क्या हुआ है, मुझे बताएं सारी बात क्या है। तो तब मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई कि जिन बच्चों के साथ हम लोगों की बेटी पार्क में जाकर खेलती थी वो दरअसल जिन्नात के बच्चे थे। वो वहाँ पर मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ इसी को नज़र आते थे और ये उनके साथ खेलती थी। जब मैंने इसको उनसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको खींचना शुरू कर दिया। हम बहुत मुश्किल से उनके शिकंजे से निकल कर आए हैं। जब हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी, उनको यकीन आ गया, वो बहुत ज़्यादा डर गए। हमने अपनी बेटी को सख्ती से मना किया कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, अकेली तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी, जब भी जाओगी हम लोगों के साथ जाओगी, और जब भी तुम्हें कहीं उन बच्चों में से कोई भी नज़र आए तो तुमने हमें बताना है। उसने कहा कि ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर एक फादर प्रीस्ट के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। तो उनका ये कहना था कि आपकी बेटी के साथ वो जो बच्चे थे वो सब घोस्ट चाइल्ड थे, वो भूतों और जिन्नातों के बच्चे थे जो इसके साथ खेलते थे। दरअसल पार्क के उस मखसूस हिस्से में उनका बसेरा है, वो वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में है। अगर आप लोग अपनी बेटी को ना बचाते या आप लोगों को बर वक्त इस बात का पता ना चलता तो वो जिन्नात के बच्चे एक दिन आपकी बेटी को अपने साथ ही ले जाते, आपकी बेटी गायब हो जाती और आप सारी ज़िंदगी इसको ढूंढते ही रह जाते। बेहतर यही है कि आप लोग आप ये घर छोड़ दें, क्योंकि वो जिन्नात के बच्चे जब आप लोगों के और इस बच्ची के तक़ुब में इनके पीछे भागते हुए आए हैं तो उन्होंने आपका घर देख लिया है। वो आपके घर के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो कभी भी इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे, और अगर उनका हिसार इस पर हो गया तो ये बच्ची आपके हाथ से जा भी सकती है। हम लोगों ने जब ये बात सुनी हम लोग तो बहुत डर गए। हम लोगों ने वेरी नेक्स्ट डे वो घर छोड़ने का इरादा कर लिया और वापस यूके चले गए, जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, क्योंकि हमें बिजनेस से ज़्यादा अपनी बेटी की ज़िंदगी अजीज थी, क्योंकि वो जिन्नात के बच्चे जो थे इसके पीछे पड़ गए थे और वो हर हाल में इसके साथ खेलना चाहते थे। ये एक स्टोरी थी जो वकास साहब ने शेयर की, यूके के एक कपल की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जिससे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नुशीरविक ऑफिशियल पर आज मैं लाइव व्लॉग पोस्ट करूंगी, उसको ज़रूर विजिट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ने कहमान।